इस प्रकार के प्रिंसिपल्स को जो है स्कूलों में आखिरकार पदस्थापना क्यों दिया जाता है? मेरा बच्चा भी खत्म हो गया विटेल से। बच्चे गर्व में खत्म हो रहे हैं। आपके ब्लॉग में जो इस प्रकार से कंटिन्यू कई वर्षों से चल रहा है सिस्टम, तो इस पे आप क्या कार्रवाई अब तक किए हैं? बताइए ऐसी कौन सी शिक्षा व्यवस्था के तहत इन्हें चार साल से जो है रिजल्ट नहीं दिया गया 12वीं का? आपका नाम क्या है? जयलाल गोयल। तो गोयल भाई क्या समस्या है आप लोगों को? सर हम लोग को रिजल्ट, हम लोग का करियर बर्बाद हो गया। चार साल से कुछ नहीं कर रहे हैं ना, कॉलेज में जाने से टीसी मांग रहे हैं, रिजल्ट मांग रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को टीसी नहीं मिला है कि रिजल्ट नहीं मिला है? दोनों नहीं मिला है। दोनों ही नहीं मिला है। कितने हैं सब हाथ उठाओ, और भी लोग हैं? कितने लोग हैं आप लोग? और भी। क्या बोलती है प्रिंसिपल मैडम? ओ सर मैडम नहीं आई है, साउ सर नहीं आया है, और जो सर नहीं आ रहे थे वो सर नहीं आए, और जो मैम नहीं आया तो वो नहीं आया, बोल के पूरा इधर उधर कर दिया। तीन से चार साल से आप लोगों को घुमाया जा रहा है ना? कोरोना से पहले एग्जाम दिए थे कि बाद में दिए थे? बाद में दिए थे, और कोरोना से पहले वाले एग्जाम। किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, भारी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है। जो है युवाओं के भविष्य से यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। चार चार साल, तीन तीन साल बर्बाद कर दिया गया है प्रिंसिपल के द्वारा। विभाग के संज्ञान में चीजें होती है, उसके बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, ये बड़ा सवालिया निशान है। हाँ साइन नहीं किया है, 2022 में निकला हूँ, साइन नहीं हुआ है, इस पर साइन नहीं हुआ है, साइन नहीं की है, नहीं कर काला ऊपर सिर्फ सील लगा के दे दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? काला ऊपर साओ बोल रहे मैडम, वैसे बोल रोज घुमाया जा रहा है। आप लोग कहीं से शिकायत नहीं किए? किए हैं बहुत। हाँ कहाँ की हो शिकायत? सरपंच को बुलाए, सबको बुलाए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरपंच उल्टा सीधा बात कर दे, बोले क्या बोलते हैं सरपंच? डायरेक्ट नहीं दोगे, जाओ जाओ करना है कर लो, बोलो सीधा। कौन बोलता है? ओ मैम प्रिंसिपल मैम। किसे शिकायत करने से ऐसी बोलती है? इस प्रकार के प्रिंसिपल्स को जो है स्कूलों में आखिरकार पदस्थापना क्यों दिया जाता है, जो बोलते हैं जिसके पास जाना जो करना करो नहीं दूंगी। मैडम ये क्या बोलते हैं आपके जो प्रिंसिपल मैडम है, तो इनके द्वारा जो है भारी लापरवाही की जा रही है। इनका कहना है कि मैडम जिसके पास जाओ जो करना है कर लो, नहीं देंगे रिजल्ट, ये बोल रहे हैं, किसी के में साइन नहीं कर रहे हैं। क्या है माजरा, क्या है, कैसी करती है मैडम? सर मैं तो कार्यालय से हूँ, तो कार्यालय का बहुत सारा काम है जो रुका पड़ा हुआ है। मैडम को साइन करने बोलो तो भी लेट करती है, बिल के लिए हर महीना मुझे बोलना पड़ता है, मेरे तीन गवाही दे रहे हैं, बिल बनाने के बाद भी वो साइन नहीं करती है, बहुत तकलीफ की स्थिति है। कैश बुक रजिस्टर या जो भी है उस किसी में साइन नहीं होता मैडम का। ये कहा जा सकता है कि बस एक प्रिंसिपल की वजह से पूरा का पूरा स्कूल परेशान है? मेरा काम रुका हुआ है सर, कुछ भी जैसे हम बताते हैं कि उच्च कार्यालय से आप कुछ भी चीज मतलब जानकारी लीजिए, मैडम ऐसा है, सब चीज की अवहेला करती है सर। डीओ का जैसे ऑर्डर भी आ जाएगा तो फिर बोलती है नहीं हम अपने तरीके से जो भी करना है करेंगे। छुट्टी को लेके तो अभी परसों शायद ही मैडम का था, छुट्टी को लेके क्या था? छुट्टी को लेके सर मेरा प्रेगनेंसी है तो मेरे को कुछ ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम हुई थी, तो मैडम छुट्टी बोली कि बेड रेस्ट करना है, तो मैं टीसी शॉप के गई थी, है ना, कि मैडम लोग बोले थे बांट देंगे, लेकिन उन मैडम को मेंटली टॉर्चर किया कि उसका टीसी तू क्यों बांटेगी, उसका काम तू क्यों करेगी। मेरा लेटर रखवाया हुआ है ना मैडम, उसमें साइन कर रही है ना कर रही है। मेरा पिछला जब मैं मेडिकल में गई थी उसका भी अभी तक तनख्वाह नहीं निकला, मैं इस स्थिति में डेढ़ दिन में बच्चों का टीसी काटी, लेकिन उस टीसी में अपना साइन नहीं करती है, क्लास टीचरों से साइन कराती है, और मेरे को भी बोलती तू टीसी क्यों काटी। ये गंभीर आरोप है। और इन बच्चों का रिजल्ट बहुत साल से उनके अलमारी में था, मैं पूरा उनका मेरे अलमारी का चाबी जब मैं छुट्टी में थी तो उनको मैं प्रभार सौंप के गई थी क्योंकि संस्था प्रमुख है, और बोलती है जब मैं किसी को प्रभार सौंप के जाती तो उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तू उसका प्रभार क्यों लेगी, छुट्टी में जा रही हो छुट्टी मनाएगी तुम लोग प्रभार, मैं छुट्टी इतना पेट लेके क्या मैं छुट्टी में जाऊंगी। मेरा अवर्शन भी हो चुका है इसी मेंटली इसी चार चार प्रभार में, मेरा अवर्शन हो चुका है सर, मैं आपको बता रही मैं अब आने वाले बच्चे के लिए डरती हूँ, मेरे को मेंटली इतना काम देकर प्रेशराइज किया जाता है, और 9 बजे आके मैडम द्वारा मेरे अलमारी में रिजल्ट डाला जाता है, और वो जो बच्चा सुसाइड कर लूंगा बोलता है उसको बोलती है कि नेहा मैडम तेरा रिजल्ट घर में रखी थी और घर से लाई है, पूरे टीचरों को खड़ा करके। कौन बच्चा जो सुसाइड का कोशिश किया था, कौन है? हाँ उसको फिर बाद में किस कारण से जो सुसाइड करने चला था बच्चा, रिजल्ट के लिए बच्चा सुसाइड करने चला था, बस्तर जिला के कलेक्टर साहब तक ये सूचना पहुंचा दी जाए कि इस प्रकार का यहाँ माहौल चल रहा है इस स्कूल में, एक प्रिंसिपल मैडम के कारण जो है पूरा स्कूल प्रशासन जो है परेशान है, उसके साथ ही बच्चे आत्महत्या तक का जो है कदम उठाने को तैयार है। सर वो बच्चा आया था कि मेरे मार्कशीट में सरनेम है उसको बदलाना है करके, तो दाखिल खारिज का फोटो दे दिए जैसे बोर्ड का नियम रहता है, तो मैं लिख के दी, मैडम का तो सील साइन लगेगा,
तो मैं सीन साइन नहीं करूंगी। तू यहीं पड़ा है, रिजल्ट लेके आ। वो अपनी बहन का भी लेके आया, अपना लेके आया। वो साल भर से आता था तो उसको भगा दिया जाता था। जब मैं मेडिकल छुट्टी में गई तो उसको बोलते हैं कि तेरा रिजल्ट ये रखी। फिर मैं रखी हूँ तो मैं मेडिकल गई तो ये मैडम रखी है, वो आएगी देखी। वो बेचारा एडमिशन ही नहीं ले पाया। इन सारे बच्चों का आधे से ज्यादा रिजल्ट तो मेरे अलमारी में रख के सबके सामने पंचनामा करके निकाला गया। मानसिकता जो है किस प्रकार से यहाँ पर चल रही है, मेरे को इस स्थिति में बहुत मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, वर्कलोड बहुत दिया जा रहा है। 4 साल से मेरे प्रवेश प्रभार में कोई साइन नहीं किया गया। हर चीज में टीचर साइन करेगा, तो मैडम ये जो सारी बातें बताई जा रही है कहाँ तक सही, ये सही बात है मैडम की तरह इस प्रकार से जो है करते देखी जाती है? बिल्कुल सही बात है। और मैं पिछले यहाँ 20 सालों से यहाँ पर हूँ इस स्कूल में, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जब 5 साल से मैडम आई है तब से उनका कार्यकलाप एकदम अलग तरह का है, क्योंकि मुझे पता नहीं, ये लगता उनका अनुभव नहीं है, ये क्या है। मैं मिडिल के टीचर हूँ, देखा जाए तो मिडिल को भी वो पूरा बंद करवा देती हैं, बच्चों को एक ही क्लास में बैठने को कहती हैं, और जो हम लोग 5 टीचर हैं मिडिल के, लेकिन पढ़ाई केवल 2 ही टीचर कराते हैं, तो सोचिए 3 क्लास को 2 टीचर कैसे पढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मैडम है इंग्लिश वाली, उनको इधर रखती है, उनको उधर जाने नहीं देती। क्यों? अब वो उनका क्या नजरिया मुझे नहीं पता, वो उनको एक पीरियड भी पढ़ाने को नहीं देती है। और जो केशव ठाकुर सर एचएम है, वो ड्रिंक करके आते हैं, उनको भी वो अपने पास बिठा के रखती है। तो इस तरह से हम लोग का चल रहा है, हम लोग बहुत परेशानी में है, और बच्चे तो आए दिन प्रताड़ित होते हैं। हम स्टाफ भी अभी हम ये कह रहे हैं कल के दिन अगर कुछ होता है तो हमको बार बार प्रताड़ित करेंगी। मीडिया के यहाँ पहुंचने के बाद जो है यहाँ से एचएम जो है भागते हुए नजर आए, शराब के नशे में वो थे, और जो है इस प्रकार से यहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। आखिरकार वो बीओ ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी कहाँ पर सो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं, दौरा करने का समय नहीं मिलता? बीओ साहब दौरा करने आते नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। और मैडम जब आप जाती है तो रजिस्टर अपनी अलमारी में रख के जाती है, किसी को उसका अधिकार नहीं। वो बोलती है साइन करना जरूरी नहीं है, मैंने आप लोग को देख लिया बस हो गया। हम 8-8, 15-15 दिन साइन नहीं करते हैं, जब मैडम का मूड होता है तब वो बुलाती है, तब साइन करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता के साथ कोई संस्था प्रमुख किस प्रकार से काम कर सकते हैं, और गांव के इतने सारे बच्चों का भविष्य जो है, ये देखिए ये सारे बच्चे हैं, इधर सर हाथ उठा दो सब एक बार, ये बच्चे हैं, इनको रिजल्ट नहीं मिला है, किसी का टीसी में साइन नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये काम करने वाली दीदी है, दीदी थोड़ा सा बताइए क्या है और क्या है। मैं 7 साल हो गया यहाँ पे काम कर रही हूँ सर, जो क्या बोलते हैं मिडिल के नाम से लग गई हूँ, लेकिन हाई सेकेंडरी तक कर रही हूँ। मैं मैडम को रिक्वेस्ट कर करके थक गई, नहीं सुन रहे। क्या बोलते हैं वो? लगाएंगे रे बोले। मैं भी प्रेग्नेंट थी, खुद परेशान, जैसे नेहा मैडम थे वैसे ही मेरा बच्चा भी खत्म हो गया। बच्चे गर्व में खत्म हो रहे हैं इस प्रकार की मानसिकता वाले टीचर्स के संस्था प्रमुख होने के कारण से। अब क्या जिला प्रशासन इसमें संज्ञान लेगा? जी बताइए महोदय। सातवां आयतन मान का एरिया से मई से हम लोग का बिल बन गया था सर, वहाँ आज तक साइन नहीं किया कि साइन कर दूंगा बोल के, अभी तक हम लोग का अटका हुआ है। मतलब बिल विल सब रोक के रख दिए हैं, क्या लगता है उनको कमीशन चाहिए क्या, क्यों रोके हैं, या फिर उनको अच्छा लगता है? जैसे लास्ट टाइम सर तनखा बनते समय भी ना सर 25 तक का जमा होने का वो लास्ट में करती है उनका मर्जी, या 20 से पहले बना दूं ऐसा नहीं। जब बच्चे पूरे पास हो गए, अगर 70 बच्चे पास हो गए तो उनका मार्कशीट और टीसी तो बटना ही चाहिए, बस यही है भैया, बस उनका यही रहता है कि क्लास टीचर रखे या फिर मैं आपको दी थी आपने क्यों नहीं बांटी। मतलब घोर लापरवाही उनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है, मनमानी की जा रही है, तो तुम क्यों नहीं बांटी, ये होता है ममता, क्यों नहीं बांटी। मैडम आप बांटने देंगे, आप साइन करेंगे तो मैं बांटू, या फिर मेरी अगर साइन हो जाती है तो मैं करके बांटती। आप टीसी में तो साइन ले रही है, सभी क्लास टीचर का टीसी में ही साइन होता है, मार्कशीट में मेरे क्लास का टीसी दे के गई थी, ये मैडम बोली बांटूंगी, इनको जबरदस्ती मानसिक रूप से बांटने नहीं दिया। यहाँ टीचर काम करते लेकिन वो करने नहीं देती है। बात सही है? हाँ सही है भैया, क्योंकि उनका कहना था कि मैडम आएंगी छुट्टी से तो बांटेंगे, आप उनका नहीं बांटेंगे। इस वक्त मैं ग्राम डोडरेपाल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर सड़क को जो है युवाओं ने जाम कर रखा हुआ है। सर जो है ये बच्चे जो है सड़क जाम कर रखे, इनका कहना है कि इनकी प्रिंसिपल के द्वारा इनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, 3-4 साल से टीसी नहीं दिया जा रहा है, इनका भविष्य रोके रखा गया, सही लगता है सर आपको? कौन से प्रिंसिपल? हाई स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा। स्कूल प्रिंसिपल, हाँ। कुछ बच्चों ने मेरे पास यूजी कॉलेज बकावंड में भी एडमिशन के लिए आए हुए थे, सर्टिफिकेट और टीसी एमसीआर वो ना मिलने के कारण उनका एडमिशन सही समय पे हो नहीं पाया, जिसके कारण बच्चे परीक्षा से पढ़ाई से वंचित रहे हैं। हमने भी डीओ एवं बीओ
है ना, उनके उच्च अधिकारियों को तक अपनी बात पहुंचाया इनके माध्यम से, तो अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। बीओ ऑफिस के माध्यम से भी, बकाउंड बीओ, उनके माध्यम से भी एक लेटर जारी किया गया था कि तत्काल बच्चों को अंक सूची एवं टीसी और सीसी समय पर प्रदान किया जाए। ये कब की बात है सर? ये लगभग जुलाई और अगस्त दोनों, हाँ यही यही। फिर भी जो है प्रिंसिपल इस अमल नहीं कर रहे हैं, और हमारे प्रोफेसरों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि शासन की मंशा है जीआर बढ़ाए, है ना, 100% एडमिशन हो, क्योंकि सचिव महोदय का आदेश है कि हर महाविद्यालय में 100% एडमिशन हो। मतलब हमारे पोषक विद्यालयों की के प्रिंसिपल प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाए बच्चों से, तो हम कैसे जीआर बढ़ाएं। सर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में किस पद में सर? प्रिंसिपल। कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। देखिए इत्तेफाक देखिए हमें यहाँ पर मिल गया, रेनी के कॉलेज में ये बच्चे जो एडमिशन के लिए गए थे टीसी नहीं होने की वजह से, रिजल्ट ना होने की वजह से जो है उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, ये प्रिंसिपल साहब का कहना। सर आपका शुभ नाम बता देंगे बात? भावेश कुमार नेताम। भावेश कुमार नेताम जी यहाँ पर जो है हम ये भी फंसे हुए हैं जाम में। इधर दिखाइए, इधर गाड़ियां लग रही है, और इधर दिखाइए इधर भी लाइन से जो गाड़ियां लग रही है। अब क्या इनके पास कोई एसडीएम साहब, कोई तहसीलदार साहब आएंगे संज्ञान लेने के लिए? कलेक्टर साहब के पास कई बार आवेदन दिया गया, विभागीय अधिकारी पास आवेदन दिया गया, लेटरबाजी की जाती है, उसके बावजूद कोई काम नहीं बनता है। मजबूरन ये सड़क पे आने को तैयार है, मतलब युवा है, ये भविष्य है, बस्तर का भविष्य संवारने के लिए निकलने वाले युवा है, इनका भविष्य रोक के रखा गया है, इनको नारे लगाने पड़ रहे हैं, इनके लिए कोई राजनीति नहीं होती है। दिल्ली में बैठे हुए मुद्दों को लेकर के राजनीति की जाती है यहाँ पर, लेकिन इनके लिए कोई राजनीति क्यों नहीं कर रहा है? सर सर आपके ब्लॉक में जो इस प्रकार से कंटिन्यू कई वर्षों से चल रहा है सिस्टम, तो इस पे आप क्या कार्रवाई अब तक किए हैं? लगातार इनके द्वारा कहा जा रहा है, शिकायत की गई है जिला स्तर तक। ये जो चार साल पांच साल से वाली बात है ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आई थी। बीच में एक बार बात आई थी जो हमारे कॉलेज महाविद्यालय सर है, सर ने एक बार मेरे संज्ञान में बात लाई थी, मैंने तुरंत उसके लिए एक लेटर जारी किया था और उसके अनुरूप कुछ काम हुआ था, लेकिन चार पांच साल वाली बात है। उसके बावजूद उसके ये जो इनका कहना है उसके बाद भी नहीं मिला है, आपके लेटर की अवहेलना की जा रही है, यहाँ पर क्या कार्रवाई आप करते हैं ऐसे में विभागीय कार्रवाई? इसको सर अभी हम तुरंत अभी डीओ से नहीं सर अभी बर्खास्त करना होगा, जब तक उनको नहीं हटाएंगे वहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं। पूरा स्कूल संस्था में जितने कर्मचारी है सबका आरोप है, संस्था में जितने कर्मचारी है सबका आरोप है, प्रताड़ित करके रखा गया है कर्मचारियों को भी। एडमिशन हो रहा है आप इन लोगों का टीसी और जांच कराई जाएगी। व्यक्तिगत मैं किया था।